सर्वरेख कौनैन का फरमान आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम भाई, एक से एक उलमाए कराम बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता, मगर हाँ इतना जरूर कहूंगा, यही वो लोग हैं जिनके बारे में 2002 से मैं बोल रहा हूँ। लहजे के उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, दो चार रोज इनके साथ रहिए, चेहरे में चमक आ जाएगी। मैं इन बुजुर्गों के हवाले से नात का पहला मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अगर आपकी समातें बेदार हैं तो इश्क का शोला बन जाए। चिंगारी मैं डाल रहा हूँ, शोला बनाना आपका काम है। आप ही वही लोग हैं जो 7,000 होकर भी 7 लाख को शिकस्त दिया है। आप वही लोग हैं जो 313 होकर 1,000 को शिकस्त दिया है। आप वही लोग हैं जो 30,000 होकर खालिद बिन वलीद की क़यादत में 3 लाख लोगों की शिकस्त दी है। अब जरा यहां से एहसास कराइए, मैं नबी का गुलाम हूं, नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का कंकर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का कंकर महकता है। मैंने ये एहसास करा दिया, अब जरा मतला सुनिए, मैं जगह लेता हूँ। एक लहजे की आवाज, एक भाई लोगों के सर पे टोपी नहीं है, रख लीजिए भैया, टोपी नहीं रहे, रख लीजिए, रुमाल उमाल ले लीजिए, कर्ज वगैरह ले लीजिए। अजब शौक है साहब, उमंग व शौक में फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। अगर हम बस में जाते हैं तो टिकट का ध्यान रहता है, मगर जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। इसको आपने हल्के में लिया, हल्के में लिया आपने। अरे साहब सुन, तेवर के साथ मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पांव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो। लोग समझते हैं कि उलमाए कराम को सिर्फ आवाज देना काफी है, अब कोई रसूल नहीं आने वाला, यही नाइबे रसूल आएंगे। क्योंकि लिए मुंह में वफा की जुबान बैठे हैं, हमारी जमात के ये अजीम शान बैठे हैं। गिरे निगाह से इनको न देखना हरगिज, जमी पे इल्म व अदब के आसमान बैठे हैं। गिरे निगाह से इनको न देखना हरगिज, जमी पे इल्म व अदब के आसमान बैठे हैं। माशाल्लाह बुट्टा साउंड लाजवाब साउंड है, आप माशाल्लाह सलामत रहें। जाहिर सी बात है, 55 साल जिंदगी जिस काम में गुजर जाए वो काम लाजवाब हो जाता है। आपकी मेहनतें बिल्कुल रंग ला रही है, बड़ा अच्छा बज रहा है कि आप सबकी मोहब्बतों को एहतराम के साथ से आज ही जलसे में ऐलान करना होगा हमें, ऐलान करना होगा हमें। दुनिया हमें डराती है, आज ऐलान करना होगा। मुल्कों में मुस्लिम को कमजोर समझने वालों, दूर रख हम तेरे वजूद को खा जाता है, वो तो अफगान है बारूद को खा जाता है। हक के शैदाई को कमजोर ना समझ बातिल, एक मच्छर ही नमरूद को खा जाता है। हक के शैदाई को कमजोर ना समझ बातिल, एक मच्छर ही नमरूद को खा जाता है। लोग कहते हैं हम कमजोर हैं, मगर आपको भी साबित करना होगा कि न कोई आंधी ना तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पर ईमान भारी पड़ता है। दिल में जज्बे हुसैन अगर बेदार हो जाए तो 100 में 1 मुसलमान भारी पड़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबकी इस पाकीज़ा वजूद को सलामत रखे। आप जैसे करोड़ों लोग होंगे साहब, बहुत शुक्रिया, करोड़ों लोग होंगे साहब जो इस वक्त महवे इस्तराहत की तैयारी कर रहे होंगे, बिस्तर पे जाने की तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ लोगों की आंखें बंद, मुंह इंडिया गेट हो चुका होगा, मतलब पूरा का पूरा ताजमहल खुल गया होगा, मगर आपको किसने यहाँ बुलाया। मैं कहूंगा जिसे मेरे रसूल ने पसंद किया वही यहाँ आया। बाह है कि नहीं? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब हम ये चाहते हैं, रात के 10 बज गए, अब हम ये चाहते हैं क्या जलसे का प्रोग्राम बाजाबता तौर पर किया जाए। जी आपका मेहमान हूँ मैं, आपका मेहमान, मैं तकरीबन मैं समझता हूँ 600 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ। मैंने कहा था बहुत पहले, महफिल सीरत सरकार सजा ली जाए, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बना ली जाए, मैं बहुत दूर से चल कर के यहाँ आया हूँ, अपने मेहमान की कोई बात न टाली जाए, है कि नहीं? मैं आपका मेहमान हूँ, मेज़बान पर पहला हक है कि मेहमानों का अदब करें। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। हजरत ने पहना दिया है ये माला लेकर तैयार थे कि अगर अच्छा बोलेगा तो पहनाएंगे, नहीं तो चढ़ाएंगे, लेकिन अल्लाह का करम है ठीक ठाक बोल रहे हैं। मैं तो मुझे ये बताना है कि आप जो लोग मुस्तफ़ा से इश्क है, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, अपनी माँ से प्यार है, मजहब इस्लाम के आप वफादार हैं,
तो आपका मेहमान आपसे मुखातिब हो रहा है, क्या जलसा ऐसे ही होगा? ऐसा होगा? ऐसा लग रहा है जैसे तस्बीह का धागा टूट गया है, दाने बिखर गए हैं, चार यहां पांच वहां, लोग ऐसा लग रहा है मंगनी का रसम अदा करने आए हैं। आप जो लोग किनारे बैठे हैं उधर, मेरे अच्छे दोस्त बैठे हैं, अगर वाकई आज आपको यह एहसास है कि नबी के नाम पे जान दे देंगे हम, तो मुस्तफा के नाम पे जान नहीं देना है, बस थोड़ी देर के लिए वो जगह छोड़ देना है। क्या छोड़ सकते हैं? आ जाइए, क्या कहने, आ जाइए। एक नौजवान उठा है, मेरे अच्छे भाई सब लोग उठ जाओ और ये एहसास कराओ कि हम नबी का गुलाम है, वक्त आने पर जगह क्या जान भी दे सकते हैं। आइए साहब सामने आइए, जरा सा बैठिए किनारे किनारे, एक भी तमाना नहीं बैठेगा। गमछी वाले भाई आप ही को बोल रहे हैं, गमछी वाले भैया, हाँ आप तो एकदम खानदान किसी पास अलार लग रहे हैं। हाँ जल्दी आ जाइए, एक व्हाइट शर्ट वाला मेरा भाई बैठा है, अगर वो उठ गया तो उसका पूरा खानदान वहां से उठ जाएगा। हाँ माशाल्लाह, देखिए उठ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मेरे नौजवान दोस्त हैं, मेरी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? नवाजिश कलम, शुक्रिया मेहरबानी, मेरी बात सुन ली, मेरी बात मानी। एक आदमी खड़ा है जो चौकीदार कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बज़्म में नबी पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं। जलसे में आके एक तरफ खड़ा है वो आदमी, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। आ जाइए, कहत साली की जंजीर तोड़ दे और घर में रहमत और नूर की बारिशें बरसा दे। आप लोग भी आ जाइए भैया, एक एक आदमी को बुलाएंगे तो रात के एक बज जाएंगे। आ जाइए, तीन आदमी बैठे हैं, हम आप ही को बोल रहे हैं। अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को सलामत रखे, जूता मत छोड़िएगा, लेके चलिए, कोई ले सकता है। ईद की नमाज में हम अभी सबसे पीछे गए थे, देखा एक आदमी नया जूता आगे लेके आ रहा है। मैंने कहा भाई साहब आगे जूता रखोगे तो नमाज नहीं होगी, तो झट से तेवर बदल के बोला, मौलाना अगर जूता पीछे रखूंगा तो जूता नहीं होगा। तो ये डर रहता है कि कोई ना कोई ले जाएगा, है कि नहीं? चलिए थोड़ा सा आप लोग जो उधर सामने श्रीलंका बने हुए हैं, हाँ आप ही लोगों को बोल रहे, सटिए ना भैया, आ जाइए ना, हम एक हैं, हमारा मजहब एक है, हमारा रब एक है, हमारी सच्चाई एक है, हमारा धर्म एक है, तो फिर अलग नहीं बैठ सकते। एक मोटा तगड़ा आदमी बैठा है मेरा भाई, हाय जिंदाबाद, वो उठा, देखिए वो उठा, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, मैं उठा दिया, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ ले आए, जो लोग अगल बगल है सामने आ जाए। और ये जो 10-12 लोग इधर उधर बैठे हैं बादाम खा रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ ओ गमछी वाले भैया, इसको उल्फत का जाम आ रहा है, देखिए वहां बैठ के बादाम खा रहा है। भैया आ जाओ, जरा करीब आ जाओ, दोस्त टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी आ जाओ सामने, सिमट जाओ, एकदम दूर नहीं, मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर बैठे हैं, सामने आओ, उठो, जो मुस्तफा के नाम पर जान देना चाहता है वो उठ जाए, जरा सा जल्दी उठे, हम भी बड़ी सिद्दी नकीब हैं, जब तक आप उठाएंगे नहीं हम किसी को उठने नहीं देंगे। चले भैया आ जाओ, मेरे दोस्त एक खूटा में, आ जाओ ना भैया, आ जाओ ना, आपका मेहमान है यार, मेरे पास तलवार नहीं लाठी नहीं, बस आ जाइए सामने आ जाइए, आ जाइए। अच्छा जो ये आप लोग किनारे बैठे हैं, मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोगों को हम कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा मेरे समझदार भाई लोग, अच्छा आ जाए, किनारे नौजवान बच्चे बैठे हैं, 2-4-5 बच्चे, बच्चों को भी मत पूछिए, नौजवान बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में हजरत अब्बास अलम बरदार के कटे हुए बाजुओं का सदका अता हो जाए। आ जाए जरा करीब आ जाओ मेरे दोस्त, जल्दी आओ, टाइम नहीं है, एक आदमी को उठाते वक्त 12 बज जाएगा, चेहरे पर 13:55 हो जाएंगे। चाचा सटिए, थोड़ा सा सटिए, जरा सा आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा सा हट के नहीं आ सकते आप? जरा सा सट जाइए, आप एकदम आगे आ जाइए, माशाल्लाह अब अच्छा लगा, अब देखिए कितना हसीन मजमा लगा है, थोड़ी सी जगह खाली है लेकिन एक राउंड के बाद हम बना लेंगे। अब जरा एक मर्तबा तेवर के साथ, यूट्यूबर वालों इसको चैनल में मत डालना, मैं शुरू में थोड़ा सजा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि जितना अनाउंसर नहीं, जितना हिंदुस्तान में शायर नहीं, जितना मुकर्रिन नहीं, उतना यूट्यूबर लोग पहुँच जाते हैं, आप लोग खुशबू लेते रहे कहाँ जलसा होता रहता है। चलिए सबका कारोबार ठीक ठाक चले, हम एतराज नहीं करते हैं माशाल्लाह। अब जरा इजाज़त दीजिए मुझको, टाइम यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा, अब 1-7 मिनट के अंदर मैं जगह लेता हूँ। जरा हाथ उठाकर दिल से एक मर्तबा हाथ उठाइए, पूरा मजमा हाथ उठा लीजिए, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है, देखिए हाथ उसी का नहीं उठता है जो अंदर अंदर खैनी बना रहा होता है, नहीं 20 साल का तजर्बा है मेरा, हाथ उसका जरूर उठता है जिसका खाली है, और हाथ उसका नहीं उठता जिसका अंदर खैनी बना रहा, मतलब नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती पास रखते हैं। इसको हटाइए, मैं उससे बड़ा ज्यादा नशा पिला रहा हूं, एक ऐसा नशा खैनी का नशा 2 मिनट में उतर जाए, मगर नबी की मोहब्बत का नशा कयामत तक न उतरे। सही है, मैं चाहता हूं कि उनसे आपकी मुलाकात करा दूं, इनको लोग बहुत इंतजार करते हैं, वैसे ही जैसे भूखा भात का इंतजार करता है, मुखिया वोट का इंतजार
इंतजार करता है, चाय वाला पीने वाले का इंतजार करता है, ससुराल में नालायक दबा जैसे ससुराल में सास की सलामी का इंतजार करता है, वैसे ही इसको पूरा मुल्क इंतजार करता है। शायर इस्लाम हसीबुल्लाह साहब तशरीफ ला रहे हैं। गुजारिश है, गुजारिश है, गुजारिश है, अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर, अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर, अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर, नाते वही सुनाऊंगा मीनार देखकर।